अगर आप पेट्स को पसंद करते हो तो हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए। आपका स्वागत है पेट इन्फो में और आज हम देखेंगे डॉग वर्सेस डॉग का 86th एपिसोड और इस एपिसोड में हम ग्रेट डेन वर्सेस पिटबुल के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओरिजिन, ग्रेट डेन का ओरिजिन जर्मनी से है। ये डॉग ब्रीड ब्रिटिश मैस्टिफ और वुल्फहाउंड से ब्रीड की गई है। 15th और 16th सेंचुरी में जर्मन जंगल शिकारी खेल से भरे हुए थे। इस दौरान सूअरों की आसानी से शिकार की जाए इस सोच में ग्रेट डेन को ब्रीड किया गया। 1863 में जर्मन डॉग शो में पहली बार ग्रेट डेन को लाया गया था। बाद में ये डॉग ब्रीड सिर्फ लोकप्रिय और शाही परिवारों के पास थी ताकि उनकी प्रशंसा हो सके। पिटबुल का ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट से है। पिटबुल डॉग टेरियर और बुलडॉग का क्रॉस ब्रीड है। इंग्लैंड में सन 1200 में बियर्स और बुल बीटिंग जैसे खेल फेमस थे और इन डॉग्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस एरिना में छोड़ा जाता था और वहाँ से ही इनका नाम पिटबुल पड़ गया। और बाद में ईस्वी सन 1800 में इस खूनी खेल को इंग्लैंड में इलीगल कर दिया। पिटबुल डॉग फियरलेस और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए लोगों के दिमाग में इनकी बैड रेपुटेशन है और ये डॉग ब्रीड फ्लोरिडा, ग्रेट ब्रिटेन, डेनवर और न्यूजीलैंड में बैन है। लेकिन समय के बदलते वक्त में कुछ सिटीज इनके ऊपर से बैन हटा रही है। गाइडिंग एंड सोशलाइजेशन। ग्रेट डेन डॉग जायंट टाइप की डॉग ब्रीड है। ये अच्छे वॉच डॉग होते हैं लेकिन ये एग्रेसिव नहीं होते। ग्रेट डेन डॉग अच्छे फैमिली फ्रेंडली डॉग होते हैं, तो आप इनको छोटे बच्चों के साथ भी रख सकते हो। इनको रहने के लिए बड़ा घर या फिर बैकयार्ड की ज़रूरत होती है ताकि ये कंफर्टेबल ही रह सकें। ग्रेट डेन डॉग को डेली एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, तो आपको इनको डेली 60-80 मिनट्स तक वॉक करवाना चाहिए। पिटबुल डॉग मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है। ये डॉग्स पावर और एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन डॉग्स को बचपन से ही अच्छी तरह सोशलाइज किया तो ये डॉग्स अच्छे फैमिली फ्रेंडली डॉग भी बन सकते हैं। इन डॉग्स को डेली 40-50 मिनट्स तक एक्सरसाइज करवाना चाहिए और इनको रहने के लिए बड़ा घर या फिर बैकयार्ड की ज़रूरत है। अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो तो ये डॉग ब्रीड आपके लिए नहीं है। पिटबुल को अपने मालिक के साथ रहना बहुत पसंद होता है और बहुत लगाव भी होता है। अगर कोई स्ट्रेंजर अपने ओनर के ऊपर हमला करे तो वो उनकी जान भी ले सकता है। कलर्स एंड शेडिंग। ग्रेट डेन डॉग ब्लैक, ब्रिंडल, फॉन, मेंटल और हर्लिक्विन कलर्स में पाए जाते हैं। इनका कोट शॉर्ट, थिक और स्मूथ होता है। इनको हफ्ते में एक दो बार ग्रूमिंग करवाना चाहिए। इनका शेडिंग सीजन 6-8 मंथ में आता है। पिटबुल डॉग ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, ब्लूइश ग्रे, ब्राउन, ग्रे, व्हाइट, रेडिश ब्राउन और फॉन कलर्स में पाए जाते हैं। पिटबुल का कोट शॉर्ट होता है, इसलिए इनको ग्रूमिंग करना और मेंटेन रखना आसान होता है और इनका शेडिंग सीजन 8-9 मंथ्स में आता है। मेंटेनेंस। ग्रेट डेन डॉग का पर ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट 25,000 से लेके 35,000 तक आता है। पिटबुल का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर एवरेज 25,000-30,000 तक आता है। हाइट। ग्रेट डेन की एवरेज हाइट 28-32 इंचेस होती है। पिटबुल की एवरेज हाइट 18-20 इंचेस होती है। वेट। ग्रेट डेन का एवरेज वेट 50-90 केजी तक होता है। पिटबुल का एवरेज वेट 14-30 केजी तक होता है। लीटर साइज। ग्रेट डेन की लीटर साइज एवरेज 4-8 पपीज होती है। पिटबुल की लीटर साइज एवरेज 5-10 पपीज तक होती है। लाइफ स्पैन। ग्रेट डेन का लाइफ स्पैन 8-10 ईयर्स तक होता है। पिटबुल का लाइफ स्पैन 8-15 ईयर्स तक होता है। प्राइस। ग्रेट डेन की प्राइस 20,000 के ऊपर है। पिटबुल की एवरेज प्राइस 12,000 और उससे ज़्यादा भी हो सकता। तो दोस्तों कैसा लगा आज का डॉग वर्सेस डॉग का 86th एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप और कौन कौन से डॉग के बारे में जानना चाहते हो और हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।